This month we are looking at the concept of Trinity. इस महीने हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में विचार कर रहे हैं. But as we look at the Trinity, we also look at each of the persons in the Godhead, which is Father, Son, and Holy Spirit. और जब हम त्रिएक परमेश्वर पर विचार कर रहे हैं, तो उसके हर एक व्यक्तित्व पिता पुत्र और पवित्र आत्मा पर हम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे. When we take our booklet and we start recitation, जब हम अपनी किताब को लेते हैं और उच्चारण शुरू करते हैं, we start with the word Shalom, but we start with the word Sanatan. और हम शालोम और उसके बाद सनातन शब्द का इस्तेमाल करते हैं. वन ऑफ द पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हु गॉड इज दैट ही सनातन. और परमेश्वर का जो एक द्वितीय विशेषता है वह यह है कि परमेश्वर सनातन है, अनंतकालीन है. He is eternal, sanatan, in the sense of eternal past and will be, is existent now and will be there for eternal future. और सनातन या अनंत काल का मतलब यह है कि परमेश्वर अनंत काल से है और अभी भी है और अनंत काल तक रहेगा. सनातन also has got certain sense of timelessness. और सनातन का मतलब यह भी है कि समय विहीनता, कि वो समय के परे, he is beyond time. और वह समय के परे है. And the God that we are talking about is सनातन. और जिस परमेश्वर की आज हम चर्चा कर रहे हैं वह सनातन परमेश्वर है. Therefore, we are followers of सनातन धर्म. और इसलिए हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं. Because the God that we are talking about is Sanatan. क्योंकि जिस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं वह सनातन परमेश्वर है. Then within Godhead there are three persons, Father, Son, and Holy Spirit. और परमेश्वर के तीन व्यक्तित्व हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा. There are three persons, व्यक्ति. There are three persons. और वे तीन व्यक्ति हैं. And these three persons are one. और ये तीन व्यक्ति एक हैं. They constitute one God. और वे एक परमेश्वर को दर्शाते हैं. They are not three gods. वे तीन परमेश्वर नहीं. They are three persons. वे तीन व्यक्ति हैं. These three persons constitute one God. और ये तीन व्यक्ति मिलकर एक परमेश्वर हैं. And God has revealed to us that, hear, O Israel, Lord your God is one. और परमेश्वर ने इस बात को धर्मशास्त्र में बताया है कि हे इसराइल, सुन, तेरा परमेश्वर एक है. So while there is only one God, और जबकि वहाँ पर केवल एक परमेश्वर, एक ही परमेश्वर है. But within that one God are three persons. और उसी एक परमेश्वर के अंदर तीन व्यक्ति हैं. Why did God not say that we are three gods? परमेश्वर ने ये क्यों नहीं कहा कि हम तीन परमेश्वर हैं? Then we would have three satsangs. अगर ऐसा होता तो हमारे पास तीन सत्संग करने पड़ते. Some people would have said that, you know, I don't care about the other two. I love the Father. और कुछ लोग कहते हैं कि मैं केवल पिता से प्रेम करता हूँ, बाकी दो की मुझे चिंता नहीं है. Or somebody else would have come and said that, you know, I am very attracted by the Holy Spirit. और कोई और आके कहता है कि मैं केवल पवित्र आत्मा से बहुत आकर्षित हूँ. Or somebody else might have come and said that, oh, Jesus is everything. और कोई और आके कहता है कि केवल यीशु मसीह ही सब कुछ है. But God wanted to make sure that we don't make that mistake. और परमेश्वर इस बात को चाहता था कि हम उस गलती को ना करें. So he first told us the primary thing, that God is one. और इसलिए परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट रूप से बताया कि परमेश्वर एक है. If God would have started with the knowledge that there are three persons, we would have been confused and created three different groups. अगर परमेश्वर ने शुरू से ही तीन व्यक्ति के बारे में बताया होता तो शायद हम
कंफ्यूज्ड होकर तीन अलग समूह को बना चुके होते हैं। When we go to school, जब हम स्कूल जाते हैं, I just graduated last week. और मैं पिछले ही हफ्ते स्कूल से ग्रेजुएट हुआ। So we go to in North India we just say KG class. और हम इंडिया में केजी क्लास बोलते हैं। Then we go to first standard and second standard and third standard. तब हम पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा में जाते हैं। And I used to think when I'm going to go to the high school. और मैं सोचता था कि जब मैं हाई स्कूल चला जाऊंगा। Then I used to think that when I'm going to get rid of this high school, I'll go to college. I will have some more freedom. और जब मैं कॉलेज चला जाऊंगा तो मुझे थोड़ी और स्वतंत्रता होगी। Then once I started college, I thought that what is this? When am I going to get out of this? और जब मैं कॉलेज चला गया तो मैं सोचता था कि इससे बाहर कैसे जाऊं। But that knowledge that was given to me was progressive knowledge. और जो ज्ञान मुझे दिया गया वह धीरे धीरे करके दिया गया। What I was taught in KG class was not the same thing that people are teaching in the high school. और मैंने जो KG कक्षा में शिक्षा प्राप्त की वह शिक्षा हाई स्कूल में नहीं थी। When a person is of the KG standard, we give him information according to the standard that he can contain. और जब व्यक्ति KG में है तो उस समय उसे जो जिस तरह से समझ में आता उस तरह की शिक्षा दी जाती है। So God wanted to give us the first level of information that God is one. Don't confuse between that. और इसलिए परमेश्वर ने शुरू में ही बता दिया कि परमेश्वर एक है और उसके साथ किसी तरह की गड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। As time progressed, he revealed of himself more and more and more. और जैसा समय गुजरता गया परमेश्वर ने अपने स्वयं के बारे में और भी ज्यादा बताना शुरू किया। I can imagine of a time before the creation of the world. और मैं उस बात को सोच सकता हूँ जबकि संसार की सृष्टि के पहले का समय था। So the Father, Son and Holy Spirit, three eternal persons are sitting together. और पिता, पुत्र और पवित्रात्मा तीन सनातन व्यक्ति एक साथ बैठे हुए हैं। They have decided that we are going to make this creation. और उन्होंने यह निर्णय किया कि हम इस सृष्टि की रचना करेंगे। Holy Spirit might have told Father, you know what a mess they are going to create, right? और पवित्र आत्मा ने कहा होगा कि पिता आपको पता है कि वह कितनी बड़ी गड़बड़ियां करेंगे। Yeah, the only thing that we have to do is either destroy them all because we cannot tolerate any sin. क्योंकि अगर वे पाप करते हैं तो हम उस पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उनमें सबको नाश कर देना पड़ेगा। Or we have to find a solution to erase their sins, which is not an easy task. Father might be looking at the son. और उनके पापों को क्षमा करने के लिए, पापों को मिटा देने के लिए हमें उपाय ढूंढना पड़ेगा जो कि एक आसान काम नहीं है। और पिता पुत्र की ओर देख रहा होगा। Son might be looking at the father, what are you trying to say? और पुत्र पिता की ओर देख रहा होगा और सोच रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। Father said that the solution is that you take out all your glory and step out of this glory and become a human being and live among them sinless life and take care of their sins. और पिता ने कहा होगा कि तुम्हें अपनी सारी महिमा को छोड़कर मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा और उनके बीच में पवित्र जिंदगी जीकर और उसके बाद उनके पापों को हर लेना पड़ेगा। Not only that you will have to give up the glory, but you will actually become weak. और न केवल आप अपनी महिमा को देना पड़ेगा बल्कि आपको कमजोर व्यक्ति के रूप में बदलना पड़ेगा। Even you will be so weak that people will be able to manipulate you and beat you up and actually put you to death. और यहाँ तक कमजोर होना पड़ेगा कि लोग सताएंगे और लोग मारेंगे, पीटेंगे और यहाँ तक कि मार डालेंगे। But you can trust me. किंतु तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। I will raise you up from the dead. और मैं तुम्हें मृतकों में से जिलाऊंगा। And the Son, eternal Son, would have told the Father. और सनातन पुत्र ने पिता से कहा होगा। Here I come. मैं आता हूँ। I have come to do your will, O God.
मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। And this is given in Hebrews chapter 10. और यह इब्रानियों उसके 10वें अध्याय में दिया गया है। And the eternal Son would have come out of that glory before the creation of the world. और सनातन पुत्र उस महिमा में से सृष्टि के पहले ही निकला होगा। And he is standing there as good as dead. और एक मृतक व्यक्ति के रूप में वहां पर खड़ा है। And the Holy Spirit might have looked at the eternal Son and said that here is the Lamb that was slain before the foundations of the world. और पवित्र आत्मा ने सनातन पुत्र को देखकर यह कहा कि यह वह मेमना है जो संसार की सृष्टि के पहले से ही वध किया गया है। It seems like Lord Sri Jesus Christ left his glory not just for the sake of incarnation, but even before the creation of the world. और केवल अवतरित होने के लिए यीशु मसीह ने अपनी महिमा को नहीं छोड़ा, बल्कि सृष्टि के पहले से ही अपनी महिमा को छोड़ा। And that is how Lord Sri Jesus Christ loved us, that he was ready to give himself up for the sake of our sins. और यीशु मसीह ने हमसे इतना अधिक प्रेम किया कि वह हमारे खातिर अपने आप को दे देने के लिए तैयार था। So Lord Sri Jesus Christ is standing there, he has taken off his glory. और यीशु मसीह वहां खड़े हैं, उन्होंने अपनी महिमा को उतार दिया है। He is on standby mode. और वे वहां पर इंतजार करते हुए खड़े हैं। He is waiting that when they are going to mess up, I'm going to come. और वे इंतजार कर रहे हैं कि जब मनुष्य पाप में गिरेगा तब मैं आऊंगा। As good as lamb that is being slain. और एक वध किए हुए मेमने की तरह मैं तैयार हूँ। At that time, if God will say, Here I am the Father with all my glory. और उस समय पिता अगर कहता है कि मैं यहाँ पर पूरी अपनी महिमा के साथ हूँ। And here is Holy Spirit also with all his glory. और यहाँ पर पवित्र आत्मा भी अपनी सारी महिमा के साथ है। And here is the third person, the second person of the Trinity, the Son, the eternal Son, Lord Jesus Christ. और यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति है त्रिएक परमेश्वर का, सनातन यीशु मसीह। We would have seen the Father. Wow, what a glory! और हमने पिता को देखकर सोचा होगा कि क्या महिमा है। We would look at the Holy Spirit and say, Wow, so impressed, what a glory! और हमने पवित्र आत्मा की ओर देखकर कहा होगा कि क्या महिमा है। We'd see a Lord Sri Jesus Christ. There is no beauty in him to see. और जब हमने यीशु मसीह को देखा होगा तो हमने सोचा होगा कि उसमें कोई खूबसूरती नहीं है। He might have come to the conclusion that he is a lesser God. और हमने इस बात को सोच लिया होता कि यीशु मसीह छोटे परमेश्वर है। पिता की ओर देखो, पवित्र आत्मा की ओर देखो, Jesus Christ is just a छोटा और यीशु मसीह तो केवल छोटे मोटे परमेश्वर हैं। That was the reason that God did not want to reveal His Trinity upfront. और इसलिए परमेश्वर ने अपने त्रिएक परमेश्वरत्व को शुरू में ही व्यक्तित्व नहीं किया। So that we don't make the mistake of making Lord Jesus Christ a lesser God. ताकि हम इस गलती को ना करें कि हम यीशु मसीह को एक छोटा परमेश्वर सोच लें। Father is all glorious, all powerful and holy God. पिता जो है वह पूरा सामर्थ्य और पूरे महिमा से भरा हुआ सामर्थ्य परमेश्वर है। He can do everything. वह सब कुछ कर सकता है। And Lord Sri Jesus Christ, the eternal Son, is also full of glory and he can do everything. और यीशु मसीह भी सारी महिमा से भरे हुए हैं और वे सब कुछ कर सकते हैं। And the Holy Spirit is also full of glory and he can do everything. और पवित्र आत्मा भी पूरी महिमा से भरे हुए हैं और वे सब कुछ कर सकते हैं। It is not that the Father can do certain things, but then there are other things that only the Son can do, and there are other things that only the Holy Spirit can do, and not the Father and the Son. और ऐसा नहीं है कि पिता केवल कुछ चीजों को कर सकता है और पुत्र केवल कुछ चीजों को कर सकता है, या पवित्र आत्मा केवल कुछ चीजों को कर सकता है और दूसरी चीजों को नहीं कर सकता।